What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज है 26 नवंबर 2020, थर्सडे है, सुबह के 8:40 हो रहे हैं। थर्सडे है, मंथली एक्सपायरी का दिन है। कल हमने देखा बाजार में ऊपरी लेवल से गिरावट आई ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की। 13,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, एक रेजिस्टेंस लेवल था, वहां से एक करेक्शन, एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी क्या ये करेक्शन और गहरा सकता है, कहाँ पर सपोर्ट लेवल हो सकते हैं उसको देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 25 नवंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 13,096 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 13,036। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ओपन हुआ और एग्जैक्ट जो हमारा सेकेंड टारगेट था उसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। काफ़ी हर्डल फेस कर रहा था इस लेवल के पास और यहाँ से जैसे ही ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 13,024, सेकेंड टारगेट 13,008, ये दोनों भी अचीव्ड हुए। उसके बाद निफ्टी इंडेक्स लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। इसने फिर से एक बार ऊपर की तरफ जब बाउंस बैक किया तो ब्रेकडाउन लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस करके फिर से जो नीचे आया ये डबल टॉप जैसा पैटर्न बना के और निफ्टी इंडेक्स में यहाँ से गिरावट देखने को मिली। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए कल के भी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं क्विकली। कल अमेरिकी बाजार यूएस मार्केट में देखे तो नासडैक 57 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो कमजोरी वहां पर भी देखने को मिली थी कल। एशियाई बाजार आज जब ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी रिकवर होते हुए नजर आ रहा है, 62 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। जापानीज इंडेक्स में भी 173 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर देखे तो 55 पॉइंट की बढ़त इस समय दिखा रहा है। तो पॉजिटिवनेस मार्केट में इस समय बरकरार है। कल जो गिरावट आई थी निफ्टी इंडेक्स में उसको एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर कहा देखा जा सकता है। अभी जो कल की गिरावट आई थी इसका टेक्निकल एनालिसिस ने क्या सिग्नल दिया था, ये जो हम लास्ट कई सारे वीडियो से डिस्कस करते आ रहे हैं। ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। निफ्टी अभी 76.4% का है, जो फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है इसी के आसपास था, रेजिस्टेंस लेवल था, साइकोलॉजिकल बैरियर भी था, 13,000 को टच किया था निफ्टी इंडेक्स ने और यहाँ से हमें कल एक 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। आरएसआई भी अगर देखें तो ये हमने मार्क किया था कि आरएसआई जब जब 70 के पास आता है तो ऊपर प्राइस एक्शन में एक करेक्शन देखने को मिलता है। तो अभी 70 लेवल के पास है तो यहाँ पर भी एक हो सकते हमें एक करेक्शन देखने को मिले, लेकिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बुलिश है इस समय। ये करेक्शन नहीं है, हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर ये एक लेवल को अगर ब्रेक कर देता है 12,600 के नीचे चला जाता है तो यहाँ से ये करेक्शन और गहरा सकता है, अदरवाइज ये ऊपरी लेवल से जो भी गिरावट है इसे हम प्रॉफिट बुकिंग एज ए कह सकते हैं। मार्केट बुलिश है, अभी भी बुलिश है। आज मंथली एक्सपायरी का दिन है तो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। डेली चार्ट को अगर देखें तो यहाँ पर भी हमें सिग्नल मिला था, कैसे आरएसआई जो है अगर आप यहाँ से देखें तो ये इधर प्राइस एक्शन में हायर हाइज बन रहे थे, आरएसआई में भी हायर हाइज बन रहे थे और जब ये नेक्स्ट हाई बना है तो आरएसआई में यहाँ पर लोअर हाई बना है। प्राइस एक्शन तो ऊपर जा रहा है लेकिन आरएसआई नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन था डाइवर्जेंस का कि यहाँ से मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर एक ऊपरी लेवल से यानी 13,000 के आसपास से हमें एक ज़बरदस्त ब्लैक रेड कैंडल यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर यहाँ से अगर टूवर्ड्स साउथ की तरफ ये करेक्शन गहराता है तो कहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं, ये देखने के लिए हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को यूज़ कर सकते हैं। ये लो और ये हाई को पकड़ के हमने ये ड्रॉ किया तो जहाँ पर इसने पॉज लिया था ऊपर जाते वक्त, फर्स्ट पॉज लिया था 12,765 के पास, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ये ऊपर गया, नीचे आकर जब फिर से ऊपर गया तो एक छोटा स्विंग लो बना के ऊपर गया। तो 12,765 कर लेते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स 12,500 तक हमें आता हुआ नज़र आ सकता है।
तो 12,750 का भी क्रूशियल सपोर्ट होगा। अभी इसके नीचे जाता है तो यहाँ से हमें ये जो ट्रेंड रिवर्सल है ये आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अदरवाइज मार्केट काफी बुलिश है, फिर से सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकते हैं। निफ्टी इंडेक्स काफी एक्सट्रीम बुलिश कंडीशन में अभी इस समय निफ्टी इंडेक्स को देखा जा रहा है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो चलते हैं। 60 मिनट के चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को क्विकली आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर बन रहा है, हमने देखा पास्ट में भी 12,824 के आसपास इसने कई बार सपोर्ट टेस्ट किया है। ये देखिए यहाँ पर एक बार, ये दूसरी बार, और यहाँ पर ये तीसरी बार, तो कई बार इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया है। तो हो सकता है अब की बार अगर ये इसको ब्रेक करे 12,824, तो यहाँ से हमें टूवर्ड साउथ के लिए हम पोजीशन बना सकते हैं, यानी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,799, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,771, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर ऊपर की तरफ निफ्टी फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश करता है तो काफ़ी मल्टीपल रेजिस्टेंस के लेवल्स है, हर्डल्स है। पहले तो 50 EMA का ब्लू लाइन है, फिर पिवट पॉइंट का है, उसके बाद ये पिंक लाइन है 20 EMA का। तो इन सबको अगर ये ब्रेक करता है कंफर्टेबली, यानी ये जो स्विंग हाई बने हैं यहाँ पर दो बार पास्ट में आप देख सकते हैं, तो इसको जब ये ब्रेक करेगा तभी इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए बाय कर सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा 12,979, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर 12,960 को कंफर्टेबली ब्रेक करता है, सस्टेन करता है उसके ऊपर, तो ही हम बाय यहाँ पर कर सकते हैं। और सेकेंड टारगेट हमारा होगा 12,999, ऑलमोस्ट 13,000, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।